नमस्कार दोस्तों, आज हम फणीश्वरनाथ रेणु जो हिंदी के महान लेखक थे उनका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले उनका रेफरेंस चित्र लेकर हल्का हल्का जेस्चर बना लेंगे और फिर ब्लैक पेंसिल कलर से लाइन को डार्क करते हुए मोटा कर देंगे और फिर हल्का ऑरेंज कलर उनके पूरे चित्र में भर देंगे, हल्का ब्राउन और ऑरेंज कलर चेहरे में, बालों में, और फिर ब्राउन कलर से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। चित्र का रेफरेंस में लेंगे जिसमें एक साइड में शेडिंग है तो हम भी एक साइड में ब्राउन कलर से शेडिंग करते जाएंगे, हल्की हल्की ब्राउन कलर से आँखों की डिटेल कर लेंगे, फिर ब्लैक कलर से फिनिशिंग टच देंगे, बालों में भी ब्लैक कलर से। अब जहाँ जहाँ डार्क हैं, बाल बहुत गहरे हैं, वहाँ पूरी तरह ब्लैक कर देंगे। फणीश्वरनाथ रेणु दोस्तों हिंदी साहित्य में बहुत अग्रणी स्थान रखते हैं। हिंदी राइटर में उनका नाम अवश्य ही लिया जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु का, और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। फोटो में हल्की हल्की डिटेल, आंखों के आसपास ब्राउन करते हुए। दोस्तों शेडिंग में आपको टाइम लगाना है जितना हो सके, ड्राइंग में भी लगाना है, स्केच में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और कुर्ते में लाइट ब्लू कलर कर देंगे। इस तरह ये चित्र कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।